अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो माय नेम जमील अहमद डालानी, यू आर वाचिंग पीसीबी विद जमील अहमद। सो स्टूडेंट्स, एज ऑलरेडी यू ऑल नो कि भाई हमने लास्ट टॉपिक की थी एटम के बारे में, व्हिच वाज द टॉपिक ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इट्स आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 9, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको बताते चलूँ, जो हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एंड बायोलॉजी में जो भी टॉपिक्स क्लियर कर लें, वो सिर्फ सिंथ से नहीं है, हालांकि पंजाब टेक्स्ट बुक, फेडरल टेक्स्ट बुक एंड केपी के फेडरल सबको हम कवर कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट, कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स वो चीज़ होते हैं जो सिर्फ सिंगल एटम से बनी हुई हो, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। एंड द सेकेंड डेफिनेशन, एलिमेंट्स आर सबस्टेंस, ये वो सबस्टेंस होते हैं विद स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स के दे हैव द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, यूनिक प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कोई भी अदर सबस्टेंस कांट रिप्लेस देयर प्रॉपर्टीज, कोई भी सबस्टेंस हो इनकी प्रॉपर्टीज को रिप्लेस नहीं कर सकते, दे हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज प्योर फॉर्म ऑफ द सबस्टेंस, ये एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं ये प्योर फॉर्म ऑफ द सबस्टेंस है, एलिमेंट्स हमेशा हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद देयर आर 118 एलिमेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीरियडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, फ्रॉम विच 92 आर नेचुरल, जिनमें से 92 हमारे पास नेचुरल है एंड 26 आर आर्टिफिशियल। सो हेयर द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स कौन से हैं पीरियडिक टेबल में। बेटा देखें, फ्रॉम हाइड्रोजन टू यूरेनियम, फ्रॉम एटमिक नंबर 1 टू एटमिक नंबर 92, दे आर 92 एलिमेंट्स विच आर नेचुरल, विच अकर्स नेचुरली। आफ्टर यूरेनियम आर नॉन एज ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम के बाद मीन्स कि हम 93 से स्टार्ट करेंगे, 93 को 118 तक हमारे पास आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिसे हम ट्रांस यूरेनियम कहते हैं और हैंडमेड एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। अब हमने एलिमेंट में बात सीखी थी भाई, एलिमेंट्स सिर्फ सिंगल एटम से बनी हुई होती है, उनके पास यूनिक एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती है। अब मॉलिक्यूल में व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड विदाउट फिक्स्ड रेशियो, स्टूडेंट्स यू हैव टू क्लियरिफाई दैट थिंग कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं विदाउट फिक्स्ड रेशियो होते हैं, इनमें एटम्स की रेशियो फिक्स्ड नहीं होती। उसके बाद फिक्स्ड रेशियो कैसे नहीं होती, फॉर सपोज कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास बन गई, ये है मीथेन का मॉलिक्यूल जिसमें 5 एटम्स हैं, ठीक है, कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं है। उसके बाद टाइप्स देखें, मोनो एटमिक मॉलिक्यूल, डाई एटमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, पोली एटमिक मॉलिक्यूल, एज वेल एज होमो एंड हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स। द वर्ड एटमिक रिप्रेजेंट्स द एटम, एटमिक वर्ड की जो मीनिंग है वो है एटम। अब हमारे पास जो है मोनो, मोनो मीन्स के सिंगल एटम, वो एटम्स जो कि सिंगल एटम से बनी हुई हो हम उन्हें मोनो एटमिक कहेंगे। मोस्टली जो हमारे जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन, रेंडॉन, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, ये हमारे पास मोनो एटमिक होते हैं, सिंगल एटमिक होते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्टेट एंड द डुप्लेट रूल कंप्लीट है। डुप्लेट रूल क्या है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि हीलियम की डुप्लेट कंप्लीट है, उसके बाद नियॉन की ऑक्टेट, ज़ेनॉन, रेंडॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन सब की ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं करते। उसके बाद डाई एटमिक, डाई एटमिक मीन्स के विच आर कंपोज ऑफ द टू एटम्स, डाई एटमिक हमारे पास मोस्टली गैसेज होते हैं, मोस्टली गैसेज आर डाई एटमिक बिकॉज दे आर रिएक्टिव, सो देयर फॉर दे आर डाई एटमिक, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सो दीज आर द डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स। आफ्टर दैट ट्राई एटमिक, क्लास नाइन्थ में, नाइन्थ के केमिस्ट्री के बुक में एक फंडामेंटल मिस्टेक, वो मिस्टेक इन्होंने क्या की है, जो O3 है जिसे हम कहते हैं ट्राई एटमिक, उन्होंने इसे पोली एटमिक में डाल दिया। ये तो ट्राई एटमिक मीन्स के जो 3 एटम से बनी ओजोन, उसे हम ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जो कि सन एंड अर्थ के बीच में एक लेयर है। उसके बाद है पोली एटमिक व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ द मेनी एटम्स लाइक सल्फर, लाइक पेंटाफॉस्फेट। आफ्टर दैट होमो एटमिक जो कि सेम एटम से बनी हुई हो, सेम एटम से आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, ये सेम एटमिक में। हेट्रो एटमिक, ये जो होमो एंड हेट्रो एटमिक है ये इनसे ही ड्राइव्ड होते हैं। हेट्रो एटमिक में आप उठाएं NaCl, उसके बाद ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर का एग्जाम्पल आप ले लें, ये भी हेट्रो एटमिक में आते हैं। उसके बाद है कंपाउंड, सो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग कंफ्यूज्ड व्हाइल डिफाइनिंग द मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, सो आज आप लोग की डिफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये देखिए, कंपाउंड व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स, अब दोनों की डेफिनेशन सेम आ रही है, टू और मोर देन टू एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स। हियर इज द ह्यूज डिफरेंस के भाई, कंबाइंड टुगेदर विद द फिक्स्ड रेशियो, मॉलिक्यूल्स विदाउट फिक्स्ड रेशियो, कंपाउंड्स कंबाइंड विद फिक्स्ड रेशियो। ये जब भी कंबाइन होंगे केमिकली एटम्स कंपाउंड में, फिक्स्ड रेशियो के साथ कंबाइन होंगे। उसके बाद कंपाउंड्स कैन बी मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स को मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, बट मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड नहीं कह सकते। फॉर सपोज कंपाउंड के एग्जाम्पल में
When two hydrogens react with single oxygen, they form H2O. ये हमारे पास कंपाउंड है, इसे हम कहते हैं कंपाउंड. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट द एटमोसिटी, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तब तक के अल्लाह हाफिज़. चैनल देखें, वीडियो समझें, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.